हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसबीसी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक क्वेश्चन। अ कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एल इज कनेक्टेड इन सीरीज विद बल्ब एंड एसी सोर्स। द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब डिक्रीजेज व्हेन। ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब डिक्रीजेज व्हेन। चार चॉइस रखें, एक एक करके चॉइस चेक करनी पड़ेगी। पहले इस डायग्राम बना लेते हैं कि एक तो आपका हमारे पास इंडक्टर है, ठीक है, और एक इससे एक बल्ब जोड़ दिया है बेटा, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस आर है। और इस इंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस एल एनरी है और रिएक्टेंस एक्सएल ओम है, और इसे जोड़ा गया है किसी एसी सोर्स से, ठीक है, एसी सोर्स से जोड़ा गया जिसकी फ्रीक्वेंसी एफ है। अब जरा समझो, अब पहले में कह रहा है कि नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल रिड्यूस्ड कर दें, तो नंबर ऑफ टर्न्स के साथ एक्सएल का एल का रिलेशन होता है बेटा। पहले तो इस सर्किट का करंट देखते हैं। इस सर्किट का जो करंट होगा आई आर एम एस, आई आर एम एस करंट फ्लो करेगा इसमें, और इसका वोल्टेज मान लेते हैं वी आर एम एस, और सर्किट का जो इम्पिडेंस होगा जेड, इसे टोटल रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट या इम्पिडेंस बोलते हैं। ये रूट के अंदर इस समय जो होगा वो आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल का स्क्वायर होगा, और करंट जो होगा आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस ओवर जेड होगा। और इसकी जो ब्राइटनेस होगी वो ज्यादा तब होगी जब करंट ज्यादा होगी, जितनी करंट ज्यादा उतनी ब्राइटनेस ज्यादा, ठीक है। अब जरा समझो, एक्सएल की जो वैल्यू होती है, एक्सएल की वैल्यू होती है वो एल ओमेगा होती है। ओमेगा इसकी सोर्स की एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, आप चाहो तो एल इंटू टू पाई एफ लिख सकते हो। तीसरी बार, एल जो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉयल होता है, एल की जो वैल्यू होती है ये होती है म्यू जीरो एन स्क्वेयर वी, वी फॉर वॉल्यूम ऑफ द सोलिनॉइड। जैसे इसका एरिया क्रॉस सेक्शन एक लूप का ए मान लें और लूप की लंबाई एल मान लें, तो सोलिनॉइड की लेंथ एल मान लें, तो वॉल्यूम हो जाएगा एन टू एल। और स्मॉल एन यहां होते हैं नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ, तो आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो म्यू जीरो एन स्क्वेयर ओवर एल स्क्वेयर, और वॉल्यूम लिख सकते हो ए इन टू एल। एल से एक एल कैंसिल करके आप ऐसे लिख सकते हो म्यू जीरो एन स्क्वेयर ए ओवर एल। लेकिन ये तब है जब एयर कोर हो। अगर यहां पे एयर कोर है तब सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला ये है। लेकिन अगर इसमें कोई आयरन रॉड इंसर्ट कर दें, आयरन रॉड एंटर कर दें, मतलब कोई मीडियम हो इसमें बीच में, है ना, तो एक म्यू डैश आ जाता है, म्यू आर आ जाता है, रिलेटिव प्रोबेबिलिटी आ जाती है म्यू आर एन स्क्वेयर ए बाई एल। और ये रिलेटिव प्रोबेबिलिटी जो होती है किसी भी मीडियम की, एयर के लिए वन होती है लेकिन बाकी के लिए वन से बड़ी ही होगी, ठीक है। चलिए, आयरन रॉड होगी तो उसके पास प्रोबेबिलिटी, फेरोमैटिक मेटल होता है उसकी रिलेटिव प्रोबेबिलिटी वेरी लार्ज होती है। चलिए अब शुरू करते हैं एक एक करके। नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल रिड्यूस्ड, अगर एन घटाओगे, एन डिक्रीज करने की कहा, तो देखो एन के साथ एल का रिलेशन है, एन घटेगा तो सेल्फ इंडक्टेंस घटेगा, और सेल्फ इंडक्टेंस घटेगा तो देखो एक्सएल घटेगा, एक्सएल ये डिक्रीज होगा, और ये डिक्रीज होगा तो जेड जो है आपका ये भी डिक्रीज होगा, और ये डिक्रीज होगा जेड डिक्रीज होगा तो करंट आई आर एम एस बढ़ेगी, आई आर एम एस बढ़ेगी, और आई आर एम एस अगर बढ़ी तो ब्राइटनेस बढ़ेगी, ब्राइटनेस इंक्रीज होगी बेटा, डिक्रीज नहीं होगी। तो पहली चॉइस तो गलत हो गई क्योंकि हमसे ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब डिक्रीज कह रहा है, तो ये चॉइस तो गलत हो गई। पहली चॉइस चेक कर ली, दूसरी चॉइस चेक देख करते हैं। अब कैपेसिटेंस ऑफ रिएक्टेंस एक्सी और एक्सएल इज इंक्लूडेड द सेम सर्किट। वो कह रहा है इस सर्किट में एक कैपेसिटर लगा लो भाई, ऐसे ये बल्ब था, बल्ब का रेजिस्टेंस अलग लिया, ये बल्ब है, ठीक है, और ऐसे एक और लगा लो, लेकिन ये ध्यान रखो कि इसका एक्सी और एक्सएल बराबर हो। तो अब नया इंपीडेंस कितना हो जाएगा, डैश इंपीडेंस, पहले तो इंपीडेंस ये था, अब कितना हो जाएगा, रूट के अंदर आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वेयर होता है। लेकिन हियर यहां एक्सएल बराबर एक्सी है, तो एक्सएल और एक्सी बराबर जीरो हो जाएगा, तो जेड डैश बराबर आर, तो जेड पहले इतना था अब इतना हो गया, तो जेड घट गया। जैसे ही एक्सएल एक्सी लगाया, जिसका एक्सएल और एक्सी बराबर था, तो
तो जेड घट गया, पहले जेड इतना था बेटा, अब आर के बराबर ही रह गया। देखो एक्सएल जीरो कर देंगे तब जेड बराबर आ आएगा, तो मतलब जेड घटा, और जेड घटा तो आई आर एम एस बढ़ा, जेड घटा तो आई आर एम एस बढ़ा, और आई आर एम एस जैसे ही बढ़ा तो करंट की बल्ब की ब्राइटनेस जो है वो बढ़ गई, ब्राइटनेस इंक्रीज हो गई, लेकिन हमें ब्राइटनेस डिक्रीज करनी है, तो ये भी चॉइस गलत है। तीसरा आ गया सी, आयरन रॉड इंसर्टेड द कॉइल। अब सोचो देखो मैंने यहां पहले से लिख रखा है, अगर इस सोलिनॉइड में यहां एयर कोर, अभी अगर इसमें आयरन रॉड इंसर्ट कर दें तो सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ जाता है, आयरन कोर इंसर्ट करने से एल बढ़ जाएगा, एल बढ़ने से एक्सएल भी बढ़ेगा, एल बढ़ने से एक्सएल बढ़ेगा, और एक्सएल बढ़ने से आपका जेड भी बढ़ेगा, क्योंकि एक्सएल बढ़ेगा तो जेड बढ़ेगा, और जेड बढ़ेगा तो आई आर एम एस घटेगा, और आई आर एम एस घटेगा तो ब्राइटनेस भी घटेगी, डिक्रीज होगी, यही चॉइस आई है बेटा, ये तीसरी चॉइस, ब्राइटनेस घट जाएगी, तो सी चॉइस इज करेक्ट, ब्राइटनेस घट रही है। अब फ्रीक्वेंसी वाला और चेक कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी अगर घटाने की कह रहा है इसे सोर्स की, तो सोचो अगर फ्रीक्वेंसी घटाएंगे, यहां पे आ जाओ, फोर्थ चॉइस, अगर फ्रीक्वेंसी घटाओगे ये एफ घटेगा तो एक्सएल घटेगा, और देखो एक्सएल जब घटता है ना, देखो इसमें एक्सएल घट रहा है, फ्रीक्वेंसी घट रही है तो एक्सएल घट रहा है, और एक्सएल घटेगा जेड घटेगा, जेड घटेगा तो आई आर एम एस बढ़ेगा, ब्राइटनेस फिर बढ़ जाएगी, इसलिए ये चॉइस भी गलत है, तो सी चॉइस इज करेक्ट। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा, पढ़ते रहिए और खुश रहिए।